एंगेजमेंट हो गया, बोली शादी में आना है। क्या बोलती है आप, बोलोगी ना वो बात क्या? 50% भी नहीं देखा हाँ तो कमेंट भी नहीं पढ़ा। वीडियो को ब्लैक करते ही कमेंट आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लॉजिक है? हम नहीं पढ़े थे। आँख के पास चोट लगा है, मम्मी को किसने मारा? या तो मुझे ये पुलिस में दे देगी, ये है रियलिटी। मम्मी को प्रैंक करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और नए ब्लॉग में। हम ये बोलना भूल ही गए थे, चलिए आइए अभी इसको प्रैंक करते हैं। हेलो बीमू, कैसी हो? आंख बंद करो। क्या है बताओ, छू के बताओ क्या है? फूल क्यों तोड़ लिए? ये मर रहा था, ये मर ही गया था समझो किसी से। इसको जब मर ही रहा है तो क्यों ना यूज कर लिया जाए, तो मैंने इसको तोड़ दिया। नहीं मरता शायद, ठीक ये देखो ना, ये पूरा खत्म हो गया, ये सा था, ये मुरझा गया, इसका जान चला गया। ये सूंघना नहीं होता है। था, I love you. किसी ने कहा है फूल देने वाले बस फरवरी तक चलते हैं, धनिया देने वाले जीवन भर चलते हैं। धनिया हाँ, क्यों? फूल देने वाले लवर होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, धनिया देने वाले हस्बैंड होते हैं। तो धनिया तो हम रोज ला के आपको देते हैं। इसी में क्या नहीं है? बहुत दर्द हो रहा है। एक यहाँ पे भी फोड़ लो, इसे बैलेंस हो जाएगा। मतलब एक तरफ में ऐसा हो गया है तो दर्द हो रहा है, यहाँ भी फोड़ लो तो बैलेंस हो जाएगा दोनों बराबर। और एक जाओ एक मेकअप ले लो इस दाग को ये करने वाला, क्योंकि इनविटेशन आया है, हमको कहीं चलना है। हाँ उधर से कहीं से है इनविटेशन आया। किसके शादी है? किसी की शादी है। हाँ क्रिएटर ही है। क्रिएटर है कहाँ? जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर आने वाले हैं, हम लोग मिलेंगे। सच में क्या आया है? जाओगी तो चलो, तो उसके लिए पहले मेकअप ले लो उसको ढकने के लिए। मेरे दोस्त के यहाँ से भी आया है। दोस्तों आप लोग 2 साल पहले 2 या 3 साल हो गया देखे होंगे, मैं अपने दोस्त जूली की शादी में गई थी, जब वहाँ पे मैं कॉलेज में क्लास कर रही थी ना उस टाइम पे, तो उसमें मेरी एक दोस्त थी वैशाली, जिसको जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो उसके शादी है। दोस्तों उस ग्रुप में ना जो वैशाली थी, जो वैशाली है उसकी शादी हो रही है आज से 15 दिन बाद। तो देखिए मेरे आज उसका इनविटेशन आया और आज मेरे साथ देखे क्या हो गया। इनविटेशन आया नहीं, इनविटेशन ये सब होने के बाद आया। वो 4-5 दिनों से वो मतलब फेसबुक पे मैसेज कर रही थी, मैं ही नहीं देखी थी। मैं उसके क्यों नहीं देखी थी? आप क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं थी, वो मैसेंजर वाले, वो मैसेंजर पे कॉल ट्राई कर रही थी। एंगेजमेंट के लिए भी वो इन्वाइट कर रही थी, लेकिन ना उसके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर था और वो बस मैसेंजर में कर रही थी वो। और आज जब वो हो गया है, एंगेजमेंट हो गया, बोली शादी में आना है, लेकिन अब मेरे साथ ये हो गया, मैं कैसे जाऊंगी? कुछ कहना था आपको और नहीं कहना है? चलो दोस्तों वो मैं नहीं कहती हूँ। हाँ। वो मेरे फैमिली लोग कह देते हैं आपको। अल्लाह की फूल का रूप हम दे दिए, अब चलते हैं हम बीमू को ये देंगे। बीमू मेरे कुछ कुछ सुनाएगी इसलिए नहीं देंगे, बाद में देखेगी तो मुझे गाली देगी, मैं सुन लूँगा, लेकिन अभी नहीं सुनना है लाइव। जब वो देखेगी वीडियो तब वो जानेगी, ठीक है? क्या बोलती है आप, बोलोगी ना वो बात क्या बोलती है? उससे डालोगे ना वीडियो, उससे आप वो हो जाओगे क्या? हो जाओगे क्या? हो जाओगे जिस जिस जोश से, जिस जोश से आप ब्लॉग डालोगे ना बिना टाइटल बिना थंबनेल के, उसी जोश से ठंडे व्यूज ही नहीं आएगा। हमारे जितने भी दोस्त है चाहने वाले देखते ही नहीं हमारे वीडियो, ये थोबरा देख करके नहीं, उनको चाहिए लिखा हुआ कुछ ऐसा ऐसा तीखा चाहिए थंबनेल लिखा हुआ कि क्लिक करे, ऐसे शक्ल दिखेगा हंसता हुआ तो नहीं क्लिक करेंगे। सच्चाई है ना बेटा, सच्चाई है ना? देखिए अभी हम मरहम पट्टी कर रहे हैं सुहाना की, यही अगर पीयूष को कुछ हो जाए और कुनाली का चेहरा आ जाए वीडियो पे, फिर देखो भाई व्यूज। लेकिन हमारे सुहाना को पहचानते ही नहीं, कहीं नहीं पहचानते आपको? सब पहचानते, सब पहचानते हैं। जी क्यूटी सुहाना के देखो, सबको पहचानने में लगाओ क्या है सुहाना। तो देखिए दोस्तों ये है सुहाना, और ये सुहाना कौन हो बताओ? मैं सुहाना हूँ, मैं सुहाना हूँ, मेरे पापा का नाम है काशा।
और मामा का नाम है विमला। और आपका नाम है सुहाना। क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? बुक्स। बुक्स। और क्या करती हो? ब्लॉग बनाते हो? ब्लॉग भी बनाती हो? डांस करना आता आपको? नहीं आता। कब सीखोगे डांस करना? हम स्कूल में थे तो हम डांस भी सीखते थे। हाँ, जब आपकी उम्र में थे ना तो डांस करना हमको आता था। हम बहुत सीखते थे डांस। आप भूल गए? आप बड़े हो गए थोड़ा भूल गए, लेकिन पहले आपकी उम्र में बहुत आता था हमको डांस करना। आपको नहीं आता? कब सीखोगी? ये तो गलत बात है। फेंक दो इसको डस्टबिन में, पैर हाथ धो के आओ। तो कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि 80 में से 60 को कितने बार घटा सकते हैं, लेकिन वीडियो अंत करते करते हमको याद ही नहीं रहा कि हमको उसका रिप्लाई भी करना है, तो हम नहीं कर पाए थे। तो उसमें काफ़ी लोगों का आंसर भी आ चुका है कि 80 में से हम 60 को एक बार घटा सकते हैं, और किसी ने कहा है 10 बार घटा सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर्स आए हैं। तो हमारे पास दो पढ़े लिखे लोग हैं, एक है उदय। कितने बार घटा सकते हैं? 10। 10 बार? 10। आप कितने बार घटा सकते हैं? क्योंकि उदय ना वीडियो प्ले कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में घुस जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं, मैं वीडियो देखा था। मगर देखा था तो कमेंट भी देखे थे। नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। आप वीडियो देख लिया? 50% भी नहीं देखा। हाँ, तो कमेंट भी नहीं पढ़ा। वीडियो को प्ले करते ही कमेंट आप पढ़ सकते हैं, इसका क्या लॉजिक? हम नहीं पढ़े थे, हम नहीं पढ़े थे, इसका क्या लॉजिक? पढ़े थे, पढ़े थे, नहीं देखते हैं। नहीं, ये वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में घुसाते हैं। हम चोरी पकड़ी गई, हम चोरी पकड़ी गई, हम देखे नहीं थे। मतलब दिमाग लगा कैसे? आप कैसे लगा? दिमाग कमेंट नहीं, हम कमेंट नहीं पढ़े। चलो, कैसे दिमाग लगाए बताओ। देखो, 8 × 10 करेंगे कितना होगा? मतलब इनटू क्यों करना है उसको? हम लॉजिक दे रहे हैं। कितना होगा? 8 × 10 80 होगा। 80 होगा, इसमें से हम 8 घटाते जाएंगे। तो ऐसे मैंने लगाया दिमाग। 10 बार होगा, ऐसे दिमाग मैंने लगाया। लॉजिक सही है दोस्तों। मतलब आप कमेंट नहीं पढ़े थे, वीडियो देखे थे, सवाल पूछे थे, इसी में मेरा निकल गया घर से। अच्छा, सवाल पूछ लिया तो सवाल देख लिए, लेकिन आंसर नहीं देखा। अब ये कितना सही है ये तो यही जाने। ठीक है, बाकी मैं बताऊं, मैंने बोला हुआ था कि मुझे जब पूछा गया था ये क्वेश्चंस, तो मैंने बोला था शुरुआत में कि हम 80 में से 8 को एक ही बार घटा सकते हैं। मेरा लॉजिक ये था जो मैंने दिमाग लगाया था कि 80 में से एक बार 8 को घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, वो तो 80 नहीं रह जाएगा, फिर वो 72 में से 8 घटना हो गया। तो मैंने उस दिमाग से सोचा था कि एक बार ही घटेगा, क्योंकि 80 में से 8 घटा तो फिर 80 रहेगा ही नहीं, तो एक बार घटा सकते हैं। लेकिन इसको ओरिजिनल देखा जाए तो 10 बार घटा सकते हैं, है ना। बाकी दोनों आंसर ही अपने अपने जगह सही है अगर देखा जाए तो दोनों सही है, एक बार घटा सकते हैं, 10 बार घटा सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, आज कर रहे हैं पिछले वाले कैमरा से शूट, ताकि आप लोगों का कैसा देखने को मिलेगा बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, आगे में ही है दुकान, इसी में चलते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक यही है। तो ये हमने ले लिए कुछ कर्टन्स, कुछ रुई और बैंडेज भी है साथ में, और ये चलते हैं करते हैं सुहाना की और बीमू जी की बैंडेज मरहम पट्टी। तो यहाँ पे आ गए हम। लीजिए सर। मैडम, क्या कर रही हो? थैंक यू। ये क्यों लाती है? इसका 20 रुपए लिया, 10 रुपए ज्यादा ले। क्या करना है? बैंडेज करना है ना आपको? 10 रुपए देते हैं ये? हाँ, बोले हम तो बोले कि यहाँ पे 20 रुपए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर चल के चलना होता ना 10 मिनट, रुई सब मिला के 20 रुपए में दे दिए। ठीक है, इतना ही दे दिए। हाँ, वैसे 20 रुपए दे दिए हम उनको, तो आप जाइएगा बोलिएगा उस दिन 20 रुपए दिए थे और थोड़ा रुई दे दो। ठीक है। अभी रात के खाने में है रोटी और आलू, क्या नाम है इसका, आलू सीमी का सब्जी। सुहाना खाएगी दिन की, चावल गर्म हो चुकी है। सुहाना, दाल रोटी दे दिए है, बोल रहे नहीं मुझे चावल खाना है। ओके, और यहाँ पे वो खा रहे हैं सब्जी रोटी। सुबह सुबह सना देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही हो सना? आपका नाम सना है? क्या नाम है आपका? हाँ, सुहाना। ऐसे खा रही हो? कल तो पीस पीस कट करके खा रही थी आप ऐसे ही खा रही हो? क्यों ऐसे चेंजेस क्यों बेटा? हाँ हाँ, अच्छा, मामा और पापा नहीं काट के दिए थे इस वजह से जी? अच्छा जी, काहे नहीं काट दिए जी? आज हम नहीं काट दिया, एप्पल तो अभी नहीं काट दिया, ऐसा काहे? अभी ये पूजा कर रही तो कुछ बोलेगी नहीं। और पता है बेटा, एक बहुत गंदा कमेंट आया था हमारे वीडियो में, बहुत गंदा कमेंट आया था।
पता है इसके बारे में मम्मी से तो बात करेंगे, पहले हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? सेब की कसम खाकर बोलो, जो बोलोगी सच बोलोगी, बोलो बोलो, सेब की कसम जो बोलूंगी सच बोलूंगी, बोलो बोलो सच बोलूंगी, बोलो सेब की कसम जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सेब की कसम जो बोलेंगे वो सच बोलूंगी। हाँ अच्छा बताओ, मम्मी को किसने मारा तो आँख के पास चोट लगा है, मम्मी को किसने मारा? मारा नहीं। तो यहाँ पे उस छोटे रूम में एक बेड उल्टा था, हाँ उसमें लग गया। हाँ लेकिन एक किसी हमारे ज्ञानी मुनि ने कमेंट किया था कि विकास ने मारा होगा बीमी को तो यहाँ पे चोट लग गया है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे कमेंट करेंगे? कमेंट किसने कमेंट किया था कि मैंने आपको मम्मी को मारा तो आँख के नीचे चोट लग गया था, सच है? हम आपकी मम्मी को मारते हैं? नहीं, नहीं मारते हैं। हम आपको मारते हैं? हाँ मारते हैं ना। मतलब देखिए दोस्तों, बच्चे ऑनेस्ट जवाब दे रहे हैं, तो ना जाने एक कमेंट था, मैंने जैसे ही उस कमेंट को देखा मैंने डिलीट कर दिया कि ऐसे नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने चैनल पे, क्योंकि अच्छा होता कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता तो मैं आपको दिखा भी सकता, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया। मतलब कैसे कुछ लोग होते हैं यार कि जो जी में आए मतलब वो कमेंट दे देते हैं, अब पता नहीं कैसा हेटर होंगे वो जैसा कमेंट कर देते हैं। मैं बहुत ही अपसेट हुआ ऐसे लोगों से जो ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए हम भी एक इंसान हैं, हंसते खेलते हैं, हाँ नोक झोंक होती है, हर कपल्स में होती है, भाई बहन में होती है, सब में होती है, इसी में प्यार होती है, इसी में मस्ती होती है, यही देखने में अच्छा भी लगता है रियल लाइफ में, ठीक है? तो हम आप सबके सामने में प्रूफ कर दिया, कैमरा ऑन करके सुहाना से पूछवा दिए, सुहाना ने भी बोल दिए, सुहाना ने बोला कि हम बच्चे को मारते हैं डांटते रहते हैं, नहीं पढ़ते, कभी बदमाश करते तो थोड़ा फटकार भी लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। आप बताओ जो कमेंट आया है उसमें क्या कहना है आपका? क्या कि आपको मैंने मारा है वहाँ पे, दिखाओ थोड़ा चेहरा दिखाओ, तो ये चोट लगा है मैंने मारा है? नहीं, ये दोनों बाप बेटी सो रहे थे। हाँ और मैं गई कि उठ के, बस सुबह सुबह उठ के बाहर नहीं गई थी। हाँ तो ये हो गया, वहाँ पे चोट लग गया चौकी के, उसमें हाँ लोहे का चौकी है उसमें लग गया, ये नहीं मारे है। अगर हम मारे होते तो क्या होता मेरा भी हाल? हाँ मारे होते आप अभी पुलिस में होते, पुलिस से पिट रहे होते। और नहीं अगर पुलिस से नहीं पिट रहे तो मैं भी हॉस्पिटल में होता शायद। कौन पिटा मैं? हाँ आप छोड़ती थोड़ी हो। आप लोग फिर से वो वीडियो जाके देख लीजिएगा जिसमें हमें दिखाए हैं कि उस बीमू के यहाँ पर चोट कैसे लगी है, तो उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया है उस रूम में किस चीज से चोट लगी है, और ऐसा गंदा काम मैं नहीं करता हूँ दोस्तों। और नहीं हम दोनों तो एक तरह समझ लीजिए कि हम दोनों ना क्या बताए, घर में होते ना एक भाई बहन और एक जैसे कि कोई एक दोस्त होते हैं, यार यार दोस्त, ऐसे रिश्ता है हमारी। अगर गलती से भी अगर कभी मैं मारता तो नहीं होगा, गलती से हंसी मजाक में एक झापड़ मार दूँ तो मैं दो झापड़ खाता हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऐसे जख्म देकर मारूँ तो सही बोली, या तो मुझे ये पुलिस में दे देगी या तो मुझे हॉस्पिटल के बेड पर लटा देगी, ये है रियलिटी। तो ना ऐसे हम है और ना ही ऐसे किसी को करने को बोलते हैं। देखिए मारना पीटना इस हिंसा को ना तो किसी को करना चाहिए, अधिकार ही नहीं है यार किसी को भी, किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। और जो भी ये कमेंट किया सरासर गलत है, हम दोनों में ढेर सारा प्यार है, मस्ती मजाक के सब चीज़ है, ठीक है? तो ऐसे कमेंट ना करिए, और सुहाना से ही पूछवा दिए, बीमू से ही पूछवा दिए। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।